सुरों की कोकिला लता मंगेशकर म्यूजिक की दुनिया का पूजनीय नाम है। लता मंगेशकर ने जब भी कोई गाना गाया अपनी आवाज का जादू चलाया। उनकी आवाज में न जाने कैसी कशिश थी जो सुनने वाला सुनता ही चला जाता था। पिछले कई सालों से वो म्यूजिक इंडस्ट्री पर राज कर रही थी, पर आज भी उनसे जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो लोग नहीं जानते, जैसे कि उनका असली नाम। लता मंगेशकर के लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं, पर आप में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्हें उनके नाम से जुड़ी असली कहानी पता होगी। असल में लता जी के नाम का किस्सा भी उनकी तरह ही काफी दिलचस्प था। लता का असली नाम कुमारी लता दीनानाथ मंगेशकर था। लता मंगेशकर के पिता का नाम पंडित दीनानाथ मंगेशकर था। उनके पिता मराठी थिएटर के मशहूर एक्टर और नाट्य संगीत म्यूजिशियन थे, इसलिए संगीत की कला उन्हें विरासत में मिली थी। कहते हैं कि लता जी के पिता को अपने पिता से ज्यादा माता से लगाव था। दीनानाथ की माँ येसुबाई देवदासी थी। वो गोवा में मंगेशी गांव में रहती थी। वो भी मंदिरों में भजन कीर्तन कर जिंदगी का गुजारा करती थी। बस यहीं से दीनानाथ को मंगेशकर नाम का टाइटल मिला। जन्म के समय लता जी का नाम हेमा रखा गया था, पर एक बार उनके पिता दीनानाथ ने भाववंदन नाटक में काम किया जिसमें एक फीमेल कैरेक्टर का नाम लतिका था। लता जी के पिता को ये नाम इतना पसंद आया कि उन्होंने जल्दी से अपनी बेटी हेमा का नाम बदलकर लता रख दिया। ये वही छोटी हेमा है जिसे पूरी दुनिया आज लता मंगेशकर के नाम से जानती है। संगीत की दुनिया में लता जी एक बड़ा नाम है और यहाँ आने वाला हर शख्स उन्हें देवी मानता है। अपनी गायकी के दम पर उन्हें बड़े अवार्ड्स मिले हैं। लता मंगेशकर को दादा साहेब फाल्के और भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अपने सिंगिंग करियर में उन्होंने कई सदाबहार गाने गाए जो हमेशा ही म्यूजिक प्रेमियों के फेवरेट बने रहेंगे। संगीत की दुनिया में कितने ही गायक आएंगे जाएंगे, लेकिन लता जी जैसा न कोई था और न ही रहेगा। ABP News आपको रखे आगे।